हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कुछ नया एडवांस लेवल देख लेंगे, सर्किट सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम देख लेंगे लैडर प्रॉब्लम, इनफिनाइट लैडर प्रॉब्लम। इससे देखिए बेटा, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, मेरे पास ये प्रॉब्लम जो है ये लैडर प्रॉब्लम है, और बट ये इनफिनाइट लैडर, मतलब इसके इतने सेक्शन इनफिनाइट सेक्शंस हैं, ठीक है ना। मुझे इसमें क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है टोटल रेजिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, मतलब मुझे यहां से देखिए यहां तक टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो देखिए बेटा, कैसे हम कर लेंगे ये, अगर मैं बता रहा हूं ये इनफिनाइट लैडर है, क्या है इनफिनाइट लैडर, मैं एज्यूम करता हूं कि इस पूरे इनफिनाइट लैडर की जो रेजिस्टेंस है वो कुछ एज्यूम करता हूं मैं x के बराबर। तो मैं अगर ऐसे बता दूं, लेट x बी टोटल रेजिस्टेंस, x बी टोटल रेजिस्टेंस, क्या बेटा मैंने बताया मेरे पास इनफिनाइट लैडर है और मैं बता रहा हूं इस इनफिनाइट लैडर की जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, दैट इज x, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूं अगर हम इनफिनाइट लैडर में एक स्टेप ऐड करते हैं ना, वैल्यू में इतना चेंज नहीं आता, क्योंकि इनफिनाइट लैडर है, इनफिनाइट में एक ऐड करिए तो वैल्यू उतना चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या मैं ऐसे बता दूं, अगर पूरे का वैल्यू x मान लिया मैंने, तो मैं ये एक रजिस्टर मान लेता हूं जिसका वैल्यू कितना x, अगर मैं इसके साथ एक स्टेप ये हो गया, देखो ये और ये रजिस्टर ये एक स्टेप है, ये रजिस्टर और ये रजिस्टर स्टेप्स तो सेम होने होते हैं ना, ये रजिस्टर एक स्टेप, अगर मैं एक स्टेप ऐड करता हूं इनफिनाइट लैडर के साथ वैल्यू में उतना चेंज नहीं आता है। तो मैंने पूरे का वैल्यू कितना मान लिया x, अगर मैं इसके साथ एक स्टेप ऐड करता हूं, एक स्टेप ये हो गया, देखो x टोटल रजिस्टेंस है, इसके साथ एक स्टेप ऐड करते हैं, ये हो गया एक स्टेप, इसका वैल्यू r, ये टर्मिनल a, ये टर्मिनल b, तो वैल्यू तब भी बेटा कितना आ जाएगा, वैल्यू तब भी x ही रहेगा ना, क्योंकि वैल्यू में उतना चेंज नहीं आता है। मैं बता रहा हूं ये प्रॉब्लम आपको समझ आएगी ना, कोई भी इनफिनाइट लैडर आप खुद कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं ऐसे बता दूं, मुझे बेटा ये x और ये r कैसे है, सीरीज ऑफ पैरेलल, पैरेलल में है तो इनका वैल्यू आ जाएगा r1 * r r2 / r1 + r2, क्योंकि दो रेजिस्टर्स की बात हमने मैंने जब पैरेलल में दिखा दिया, दो रेजिस्टर जब पैरेलल होते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना होता है, प्रोडक्ट डिवाइड बाय उनका सम। तो क्या मैं इन दो के बदले एक ही रेजिस्टर लिखूं जिसका वैल्यू बेटा कितना r * x / r + x, और यहां से ये रेजिस्टर ऐसे, ये रेजिस्टर कौन सा r, ये टर्मिनल ए, और ये यहां पे कौन सा टर्मिनल बेटा, ये टर्मिनल बी है। मुझे बताया बेटा ये रेजिस्टर आर और ये रेजिस्टर आर एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स का इसे सीरीज आर पैरेलल सीरीज में है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इनका जो वैल्यू है वो आ जाएगा आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, होगी ये रेजिस्टर्स प्लस इसके साथ ये रेजिस्टर्स किसके बराबर है, टोटल रेजिस्टर्स के बराबर, एक्स के बराबर, समझ आया ना। तो मैं फिर से बता रहा हूं, मैंने टोटल की रेजिस्टेंस x मान ली, मैं बता रहा हूं अगर हम इनफिनाइट लैडर के साथ, प्रोसीजर है इनफिनाइट लैडर के साथ एक स्टेप ऐड करते ना तो वैल्यू में उतना चेंज नहीं आता, मैंने एक स्टेप ऐड किया वो स्टेप सिमिलर होते हैं, तो मतलब ऐसा नहीं आप जहां से मर्जी वो स्टेप ले लें, स्टेप सिमिलर, ये स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, मैंने ये स्टेप ऐड कर दिया, ये दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा आर एक्स डिवाइड बाय आर प्लस एक्स, और यहां से ये रेजिस्टर आर, अब ये रेजिस्टर और ये रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है, सीरीज आर पैरेलल, ये तो बेटा कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो इनका ऐड किसके बराबर होगा, टोटल रेजिस्टेंस के बराबर, और वो कितना हमने अज्यूम किया एक्स के बराबर। इसका मतलब अब मुझे एक्स ही चाहिए ना, मुझे इस लैडर का टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, तो मुझे बेसिकली वैल्यू क्या चाहिए, एक्स वैल्यू चाहिए। तो आप देख लीजिए, तो बेटा मेरे पास जो टोटल रेजिस्टेंस है वो कितनी आई, आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स प्लस आर किसके बराबर, एक्स के बराबर, है ना। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर, ये ऐसे हो जाएगा आर एक्स प्लस, इससे इसको करते हैं आर इंटू आर विल बी आर स्क्वायर प्लस आर इंटू एक्स विल बी आर एक्स डिवाइडेड बाय आर प्लस एक्स, समझ आ रहा है ना, इज इक्वल टू किसके बराबर बेटा, एक्स के बराबर। अब मुझे बताया मैं ऐसे लिख सकता हूं आर एक्स प्लस आर स्क्वायर प्लस आर एक्स is equal to, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, r into x will be r x plus x into x will be x square, समझ आ रहा है, ये r x और r x क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं x square,
ये प्लस ना यहां से शिफ्ट करके माइनस आर एक्स, ये प्लस है ये माइनस आर स्क्वायर, इसके बराबर जीरो। तो बताओ क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स में, जैसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं, मुझे बताओ ए का वैल्यू कितना वन, बी का वैल्यू बेटा कितना माइनस आर, और सी का वैल्यू कितना माइनस आर स्क्वायर। तो मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे हम सॉल्व करते हैं, रूट निकालते हैं ना माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ, वहां से हमारा क्या वैल्यू निकल जाएगा किसका, एक्स का। तो एक्स बेसिकली एक्स ही चाहे ना, क्योंकि हमें टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। मैं सॉल्व करके देख लेता हूं, मुझे बताइए यहाँ पे a जो है वो किसके बराबर, 1 के बराबर, b जो है वो किसके बराबर, माइनस आर के बराबर, c जो है वो किसके बराबर, माइनस आर स्क्वायर। क्या मैं रूट्स ऐसे निकालते ना, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस बी के बदले माइनस आर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये प्लस आर प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो माइनस आर होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस ही बन जाएगा, ये बन जाएगा आर स्क्वायर माइनस फोर, ए के बदले बेटा कितना वन, और सी के बदले माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर बन जाएगा डिवाइडेड बाई टू इंटू ए के बदले वन। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं आर इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आर प्लस माइनस रूट ऑफ फोर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बेटा कितना फाइव आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। अब याद रखना है रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है। तो पॉजिटिव वैल्यू अगर मैं लेता हूं, मैं लिख सकता हूं एक्स इज इक्वल टू आर प्लस, अगर ये स्क्वायर जो है ना रूट के साथ कैंसिल, ये आर बाहर, अंदर बचेगा रूट फाइव डिवाइडेड बाई टू, या मैं ऐसे आर कॉमन ला सकता हूं, अंदर बचेगा वन प्लस अंडर रूट ऑफ फाइव डिवाइडेड बाई। तो ऐसे हम लेटर प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं। अब अगर इस लेटर में आर का वैल्यू कुछ भी 1 ओम 2 ओम 3 ओम 5 ओम कुछ भी, यू कैन कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस। समझ आया ना, वेरी गुड। अब हम एक और न्यूमेरिकल आईसी लेटर प्रॉब्लम में देख लेते हैं, दूसरा टाइप कैसा हो सकता है बेटा। हमारे पास दूसरा टाइप लेटर का है वो ये है आर आर आई से कहां तक इनफिनिटी तक। मुझे बताइए बेटा, पहले हम देख लेंगे सेटअप कितना है, ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये रजिस्टर, अगर ये हुआ ये एक स्टेप है, ये रजिस्टर ये रजिस्टर ये रजिस्टर दूसरा स्टेप, क्योंकि इसमें भी तीन इसमें भी और सिमिलर है ना, वैसे जैसे यहां पे करेंगे तीन रजिस्टर्स वैसे यहां पे भी सिमिलर है, यहां पे ये स्टेप। तो स्टेप में अभी कितने रजिस्टर्स हैं, तीन। इससे पहले जो हमने न्यूमेरिकल किया उसमें एक स्टेप में कितने रजिस्टर्स हैं, दो। मैं फिर से प्रोसीजर एक ही है, मैं मान लेता हूं इस पूरे लेटर का जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है, अज्यूम कर लेते हैं एक्स। तो फिर मैं एक स्टेप वहां पे मैंने आपको बोला, अगर हम इनफिनिट लेटर में एक स्टेप ऐड करते हैं वैल्यू में उतना चेंज नहीं आता है। तो क्या मैं ऐसे करूं, मैं सीधे अगर मैं पूरे का मान लेता हूं वैल्यू एक्स, अगर मैं उसके साथ एक स्टेप ऐड कर रहा हूं, स्टेप ये हो गया ना, ये आर यहां से ये आर और यहां से ये आर, समझ आ रहा है ना। तो ये रजिस्टर, अब मुझे मैं बता रहा हूं ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल कौन सा बेटा बी। मुझे बताया ये रजिस्टर और ये रजिस्टर का इसे सीरीज ऑफ पैरेलल, ये पैरेलल में है तो इनका वैल्यू कितना आ जाएगा, r * x / r + x, जैसे अभी इससे पहले हमने किया। देखिए ये रजिस्टर ऐसे ही रहेगा r, इन दो के बदले एक ही मैं लिखूं जिसका वैल्यू बेटा कितना rx / r + x, और यहां से एक और रजिस्टर है जिसका वैल्यू कितना r। मुझे बताइए ये रजिस्टर और ये रजिस्टर का इसे सीरीज ऑफ पैरेलल सीरीज में है ना, तो क्या मैं सीधे लिखूं इनका है r + Rx divided by R plus X जो है वो किसके बराबर है, टोटल रेजिस्टेंस, और टोटल रेजिस्टेंस हमने अज्यूम कितनी की X, समझ आ रहा है। R plus R कितना आ जाएगा 2R, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बेटा कितना बन जाएगा, बन जाएगा 2R into R is 2R square, फिर प्लस 2R into X will be 2RX, फिर प्लस RX is equal to, फिर ये R plus X सबको एक डिवाइड आ जाएगा ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यहां से R into X will be RX plus X into X will be X square। देखिए बेटा, तो यहां पे मुझे बताइए RX और RX जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या मैं लिख सकता हूं X square, ये प्लस है यहां शिफ्ट होके माइनस 2RX, ये प्लस है ना प्लस 2R, ये माइनस 2R square is equal to 0। मुझे बताइए बेटा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिर से बन रही है, हां क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर 0 है तो मुझे बताइए बेटा a किसके बराबर, a 1 के बराबर है। मुझे बताइए बेटा b किसके बराबर, ये x है ना b माइनस 2r के बराबर है, और मुझे बताइए बेटा c जो है वो किसके बराबर, माइनस 2r स्क्वायर। अब जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हम सॉल्व करते हैं, रूट निकालते हैं, x का वैल्यू, अब इसके पॉजिटिव वैल्यू लेना है, वी कैन आंसर
तो क्या मैं ऐसे करूं x is equal to minus b, b के बदले minus 2r, minus minus plus बन जाएगा 2r, फिर plus minus root of b square, हो जाएगा 2r 4r square, minus 4ac, a 1 है, c minus, minus minus plus बन जाएगा 2r square, divided by 2 into a, a के बदले 1 है, तो बेटा ये आ जाएगा 2r, हमें सिर्फ plus value लेना है, plus and 4r square plus 2r square is 6r square, r बाहर आएगा root से अंदर बचेगा root 6 divided by 2, तो यहां से r मैं common ला सकता हूं, अंदर बचा कितना बचेगा 2 plus under root 6 divided by 2, this will be the total resistance of this ladder, समझ आया ना? तो कोई भी ladder मुझे बताइए बेटा, कोई भी setup सम change कर सकते हैं, r के बदले 2r, r square, r के बदले 3r लगा सकते हैं, तो ऐसे ही की procedure आपको value मान लेना है x, अगर हम उसके साथ एक स्टेप ऐड करते हैं वैल्यू में चेंज नहीं आता है वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी उसको सॉल्व करके यू विल गेट द वैल्यू हमारे पास प्रॉब्लम है व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस लैडर ये भी इनफिनाइट लैडर है इस इनफिनाइट लैडर में अगर हम स्टेप की बात करते हैं ये हो गया स्टेप 1 ओम 2 ओम 1 ओम 1 ओम 2 ओम 1 ये हो गया स्टेप 1 ओम 2 ओम 1 ओम ये हो गया स्टेप तो बेटा एक स्टेप में कितने रेजिस्टेंस है 3 1 ओम 2 ओम 3 ओम मैं फिर से मान लेता हूं इनफिनाइट है तो पूरे की रेजिस्टेंस x एक स्टेप ऐड करने से वैल्यू में उतना चेंज नहीं आ रहा है वैल्यू चेंज नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं अगर मैं टोटल रेजिस्टेंस x मान लेता हूं इसके साथ एक स्टेप वो स्टेप ये हो गया ये 2 ओम है और यहां से 1 ओम और ये बेटा 1 ओम तो क्या मैं ऐसे बना सकता हूं फिर से मैं बता रहा हूं पूरे की रेजिस्टेंस x अगर मैं एक स्टेप ऐड कर रहा हूं तो फर्क वैल्यू में चेंज नहीं आ रहा है अब मुझे बता ये दो रेजिस्टर का इसी सीरीज आ पैरेलल में ना तो इनके बदले मैं दो लिख सकता हूं 2x / 2 + x फिर यहां से 1 ओम है और यहां से भी बेटा कितना है 1 ठीक है ना अब मुझे बताइए ये रेजिस्टर कैसे कनेक्टेड है सीरीज आर पैरेलल सीरीज में तो सीरीज में मैं सीधे ऐड लिख सकता हूं 1 plus 2x divided by 2 plus x plus ये वाला रजिस्टर 1 is equal to total resistance हमने assume की थी कि x तो x के बराबर ही होगा समझ आ रहा है 1 plus 1 कितना बेटा 2 तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 plus 2x divided by 2 plus x जो है बेटा वो किसके बराबर x के बराबर क्या मैं cross multiplication करके लिख सकता हूं 2 into 2 is 4 plus 2 into x is 2x plus 2x is equal to अब यहां से 2 into x will be 2x plus x into x will be x square समझा रहा ना बेटा तो मुझे बताइए 2x और 2x क्या हो जाएगा कैंसिल ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी x square अगर मैं इसको शिफ्ट करता हूं minus 2x minus 4 is equal to 0 देख लेते हैं वो बन जाएगी x square ये plus 2x ना minus shift होगा minus 2x minus 4 is equal to 0 अब मुझे बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मुझे बताइए ax square plus bx plus c अगर मैं कंपेयर करता हूं इसके साथ a का वैल्यू कितना बेटा दैट इज 1 b का वैल्यू कितना दैट इज -2 और c का वैल्यू कितना दैट इज -4 तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं x is equal to minus b minus minus plus 2 बन जाएगा plus minus root of b square is 2 to the 4 minus 4 ac a is 1 c is 4 तो ये minus minus plus बन जाएगा 4 into 4 is 16 divided by 2 into a is 1 तो मैं लिख सकता हूं सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू plus under root of 16 plus 5 बेटा कितना है दैट इज 20 divided by 2 समझ आ रहा है ना तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूं मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 plus under root of 20 को मैं लिख सकता हूं 4 into 5 4 5 = 20 होता ना और 4 को मैं लिख सकता हूं 2 square into 5 divided by 2 तो स्क्वायर और रूट कैंसिल 2 बाहर आ जाएगा ये बनेगा 2 plus 2 अंडर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2 अब ये 2 इसको भी डिवाइड ये बन जाएगा 1 plus अंडर रूट ऑफ 5 दिस विल बी द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस तो समझ आ रहा ना बेटा ऐसे ही आप कोई भी लैडर का प्रॉब्लम आप खुद कर सकते हैं तो कोई भी बुक उठाइए कोई भी लैडर का प्रॉब्लम उठाइए आपको सारा आ जाएगा ठीक है ना तो ऐसे कांसेप्ट आपको दिया